गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी देखिए शाम का समय है और हमेशा की तरह आपको पता है मेरी मम्मी कितनी तेज़ है और कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। तो अभी भी मम्मी जो है आंगन में पानी लगा रही है क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत ड्राई हो जाता है और धूल उठने लगती है। फिर मम्मी ने अभी अभी कहा कि रोज़ यहाँ पर पानी दिया करो। मैंने कहा जी मम्मी ज़रूर। एक दिन भी मैंने पानी लगाया लेकिन यहाँ पे मैं फूलों को पानी लगाना भूल गई। ये लीलियम के फूल हैं और जब ये खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन एक ही हवा का झोंका आता है और बेचारे फूल यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। पर हम भी हार नहीं मानते और ये फूल भी नहीं मानते और हर साल निकलते हैं और हम भी इनकी पूरी केयर करते हैं। और आप सब सुनाइए, आप सब क्या कर रहे हैं और आपके वहाँ क्या कुछ चल रहा है? और आज भी जो है यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री था और काफ़ी गर्मी थी दिन को और काफ़ी अच्छा मौसम था। अभी भी तेज़ धूप है और अभी भी धूप देखिए यहाँ है। अभी वहाँ पर छुपने के लिए जो है इसके पास बहुत समय है। और पिछले कल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट्स किए, सो थैंक यू सो मच जो है कमेंट्स करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। और इन दिनों हमारा होम स्टे जो है आपके सेवा के लिए तत्पर है, मतलब हमेशा ही था और इन दिनों भी है। तो आप में से कोई भी अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना कांटेक्ट नंबर जो है कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और आप बताएं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे और लाहौल अगर आना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप आएंगे तो हम आपको लाइव जो है ट्रैकिंग पर ले जाएंगे और साथ ही यहाँ का जो है अच्छा अच्छा फूड खिलाएंगे। और देखिए यहाँ पर ऊपर ना गद्दी है तो ये भेड़ बकरियों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। पता नहीं वीडियो में आ रही होगी या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ आ रही है। आज का दिन पूरा कुकिंग में ही निकल गया क्योंकि आज लेबर लगे थे खेतों में गोभी की निंदाई करने के लिए। तो उनके लिए मैंने सुबह सबसे पहले सब्जी और रोटी बनाई, फिर दिन को मैंने दाल चावल बनाए, फिर उसके बाद अनिल भैया, अनिल हीशे, नथिंग इम्पॉसिबल गाइस, आपने अगर उनकी वीडियो देखी है तो वो हमारे जो है गांव से ही हैं भैया, हमारे पड़ोसी हैं। और वो आए थे और उनके साथ प्रेम सर आए थे और उनके बेटे और उनके जीएम आए थे। तो उनके लिए हमने मन्ना एंड घी बनाया। और अभी जो है उसके बाद वो लोग गए, अभी कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो ऊपर ट्रैकिंग के लिए गए हैं और वहाँ से आकर अब वो जो डिमांड करेंगे वो बनाएंगे। और साथ में लेबर है तो शाम का जो है चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हम बनाएंगे मार्चू, क्योंकि मार्चू खाने में भी टेस्टी लगता है और शाम के टाइम में थकावट के बाद होता है ना कुछ तो अच्छा सा खाना था, तो मार्चू अचार और चाय जो है उनको परोसा जाएगा। बस इस तरह से ही पूरा दिन जो है निकल गया। अभी उसके बाद फिर डिनर, अभी तो डिनर के बारे में सोचा ही नहीं कि डिनर क्या बनाना है। तो मतलब पूरा दिन मेरा तो किचन में ही निकल जाता है मतलब। और क्या ही कहें अब। सो गाइस वीडियो को जो है आप देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और हाँ, कुछ दिन बाद हम अगर ट्रैक पे निकलेंगे तो आप भी जो है वहाँ के नज़ारे जो है दिखाएंगे। और यहाँ देखिए वो जो हवा का झोंका जो कल जो है तूफान आया था वो फिर से चल पड़ा है। और ये तो डेली का ही है, शाम को एक टाइम पे ये हवा चलती है उसके बाद खुद ब खुद बंद हो जाती है। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज़ 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 अपनी फ्रेंड अपनी बहन समझ कर। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।